रविवार को राजधानी पटना के भाजपा कार्यालय में बिहार प्रदेश वाणिज्य प्रकोष्ठ की एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार सहित विभिन्न जिलों से आए वाणिज्य प्रकोष्ठ के नेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाना रहा। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे बिहार के नेताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सभी तक पहुँचाना जरूरी है। इस लाभ को जन जन तक कैसे पहुँचाया जाए, इस पर चर्चा की गई। बिहार के जिलों में आए पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं, जिसके लिए हम संकल्पित हैं। सबको इस बात की प्रसन्नता है कि भारत सरकार के कारण, माननीय प्रधानमंत्री की सोच के कारण इस कोरोना महासंकट के बाद भी व्यापार में प्रगति हो रही है, आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही है, और वो तेज हो इसके लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं, इसकी चर्चा की गठन करें। वाणिज्य मंच के द्वारा आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सोच है आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर बिहार बने और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई गई है जाकर के उन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचे जाकर के, इसके लिए आर्थिक प्रस्ताव लाया गया है। उसमें सारी योजनाओं का जिक्र है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो राज्य के आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए कल्याण की योजनाएँ लाई गई है। उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, आयुष्मान भारत योजना जाकर के, ऐसे लगभग अनेक योजनाएँ लाई गई है। उन योजनाओं का लाभ आज वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में देखा गया कि देश की अर्थव्यवस्था को कितना बेहतर एक गति मिली है जाकर के, और लोगों के सामने जो संकट आया था उस संकट से उबारने का काम किया गया है। तो वाणिज्य मंच ने आज एक आर्थिक प्रस्ताव के माध्यम से इन बातों को आम जनता तक ले जा करके प्रधानमंत्री जी के संदेशों को पहुँचाने का काम करेगी जाकर के, और राज्य में योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है बिहार को, और माननीय प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत बनाने में वाणिज्य मंच का जो अपना योगदान होगा उसके लिए आज आर्थिक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है ताकि लोगों को मालूम हो और हमारे कार्यकर्ता गाँव गाँव घर घर जाकर के उन बातों को बताने का काम करें। घटनाओं की तो सरकार अपने सब संज्ञान ली है जाकर के, घटना की संज्ञान सरकार के सब पर ली गई जाकर के है और सरकारी मामले की जाँच कर रही जाकर के, उस मामले में जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए और मास्क का प्रयोग करते हुए और हमारे सभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं और राज्य की जनता है, सरकार गाइडलाइनों का पालन कर रही जा करके, यहाँ भी सभी लोग मास्क लगा करके और दूरी बना करके जो अपील है सरकार का उसको पालन करने का काम कर रहे हैं।